तेलुगु टाइटंस को पहली जीत चाहिए। यूपी योद्धा के लिए प्रदीप नरवाल का चलना जरूरी है और प्रदीप नरवाल के पूर्व टीम मेट पटना पायरेट्स में जो सीजन 3 में चैंपियन बने रोहित कुमार हमारे साथ कमेंट्री के स्टार मंत्रमुग्ध। नमस्कार मेरे कमेंट्री बडी, यहां पर ट्रिपल पंगा ऑफ कबड्डी रोहित कुमार क्या जीत दिला पाएंगे तेलुगु टाइटंस को। तेलुगु टाइटंस के फैंस ने बहुत संयम दिखाया है सुनील, 8 सीजन से संयम ही दिखा रहे हैं, क्या तेलुगु टाइटंस उनको जीत दिखा सकते हैं, ये है सवाल। दूसरा सवाल ये है कि क्या प्रदीप नरवाल आज फॉर्म में वापसी करेंगे। इस सीजन में 31.5% रेड्स इनकी फेल रही है, यहाँ फेल नहीं, यहाँ पास हुए। पहली रेड में पॉइंट प्रदीप को। अच्छी शुरुआत हुई है, समझ लीजिए यूनिट टेस्ट में 10 out of 10 मिले हैं। बूंद बूंद से ही मटका भरने की कोशिश है, लेकिन प्रदीप हर रेड नहीं कर रहे मंत्रा। श्रीकांत यादव भी जा रहे हैं और राइट कॉर्नर नितेश आ रहे हैं, टैकल कर रहे हैं। गेट आउट, 1 point यूपी योद्धा। हाफ टाइम, केंद्र कोर्ट। हाफ टाइम हो चुका है, यूपी योद्धा ने तेलुगु टाइटंस पर 5 point की लीड बना ली है। सुपर टैकल ऑन यहां पर, अभी तक के इस मैच में एक भी सुपर टैकल देखने को नहीं मिला, जब 3 या 3 से कम डिफेंडर्स होते हैं मैट पर और पकड़ लेते हैं इस प्रकार रेडर को, तो देखने को मिलता है सुपर टैकल, एक नहीं 2 points डिफेंस टीम को। दो मेन डिफेंडर अंकित ने सुमित को बाहर किया। यूपी योद्धा ऑल आउट के करीब। यूपी योद्धा 2 बार सुपर टैकल कर चुके हैं। रोहित कुमार के घुटने में प्रॉब्लम है, पिछली बार वो स्ट्रेच करने के लिए गए थे। ओहो, और यहां पर गिरफ्तार रोहित कुमार, स्ट्रगल ऑन है, क्या रोहित पार हो सकते हैं इस रेड में? रोहित नहीं पार होंगे। यूपी योद्धा का आज की रात 3रा सुपर टैकल है। नितेश कुमार 2 सुपर टैकल किए, अभी भी सुपर टैकल का मौका है। नितेश 2 सुपर टैकल कर चुके हैं, राइट कॉर्नर पर खड़े हैं। क्या आदर्श रिस्क लेंगे, और रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लिया, पॉइंट लिए, वापसी हुई। 2 points कई बार मेरी मां भी मुझसे यही कहती है, पागल है के, लेकिन यहां पर पागलपन दिखाना होगा। 2 point लिए, कीमती पॉइंट लिए, प्रदीप नरवाल बच गए बाल बाल। आत्मविश्वास तो बहुत मिला है और टीम को जीत भी मिली है।